Hello students, how are you? I hope you all are fine. So, हमारा section number 1 complete हो चुका है. अब हम start करेंगे. Section 1 में हमने completely discuss किया plants की classification को, kingdom plantae की. और हर class और हर division और phylum को हमने completely discuss किया. अगर फिर भी आपको कोई बात समझ ना आए, तो आप question कर सकते हैं comment section में जाके. और आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 2, द वायरसेस. सो स्टूडेंट्स, द वायरसेस, अब वायरसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. उनकी सबसे पहले हम इस डेफिनेशन देखेंगे कि वायरसेस हैं क्या. इट कैन बी डिफाइंड एज नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज विच कंटेन आरएनए और डीएनए इनकेस्ड इन प्रोटीन कोट एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल. अब वायरसेस की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वायरसेस हैं क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हैं नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस, यानी इन्फेक्शन कोज करने वाली ये बॉडीज़ हैं, एंटिटीज मीन बॉडीज़ हैं, विच कंटेन आरएनए और डीएनए. या तो उनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे. इनकेस्ड इन प्रोटीन कोट, और जो कि प्रोटीन कोट में प्रेजेंट होगा. एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल. अब इनकी स्पेसिफिसिटी ये है कि ये जस्ट लिविंग सेल में ही रिप्रोड्यूस कर सकेंगी, अदरवाइज नहीं. तो ये थी वायरसेस के बारे में डेफिनेशन. अब हम हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, के वायरसेस की हिस्ट्री क्या है और इनकी डिस्कवरी क्या है. द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विनोम, मीन्स पॉइजनस सब्सटेंस, वॉज यूज टू डिस्क्राइब एनी डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस. अब जो वर्ड वायरस है ये डिराइव किया गया, लिया गया एक लेटन वर्ड से, विनोम. विनोम का मतलब है पॉइजनस सब्सटेंस, कोई भी जहरीला मवाद. वाज यूज टू डिस्क्राइब एनी डिजीज कोजिंग सब्सटेंस, जो कि किसी भी डिजीज कोजिंग सब्सटेंस को डिस्क्राइब करता है. अबाउट 50 ईयर्स बिफोर डिवेलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिवेलपमेंट से भी 50 ईयर्स पहले की बात है. The existence of viruses was demonstrated as a large group of acellular disease-causing agents composed of nucleic acid encapsulated in a protein coat. अब जो viruses थे उनको demonstrate किया गया था कि ये एक large group है किसका, acellular. acellular क्या होते हैं, non-cellular. disease-causing agents हैं ये, और ये किस चीज़ से composed हो रहे हैं, nucleic acid से, जो कि encapsulated है protein coat में. और ये किसने कहा था, बाय एल पास्चर इन 1884 एंड ए मायर इन 1886 ड्यूरिंग देयर स्टडीज ऑन मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट्स. अब ये डिमॉन्स्ट्रेट किसने किया, लॉय पास्चर ने 1884 में, और ए मायर ने 1886 में अपने स्टडीज के दौरान, जब वो मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट्स पे स्टडी कर रहे थे. दे एग्जिबिटेड दैट The disease can be transmitted from one host to another under controlled laboratory conditions. और उन्होंने exhibit किया कि जो disease है ये transmit होती है host से, और जो दूसरे controlled laboratory conditions के दौरान, इस तरह नहीं. However, the nature of viruses was not clearly established by their experiments because neither of these viruses could be grown in pure culture by the methods available at that time. लेकिन क्या था, जो वायरसेस की नेचर थी ये फिर भी क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं हो रहे थे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी, क्योंकि तो जो वायरसेस हैं ये प्योर कल्चर पे भी ग्रो नहीं हो रहे थे लेबॉरट्रीज में, जो मेथड उस टाइम पे अवेलेबल थे. In 1892, D. Evanscape prepared an extract from tobacco plants that were suffering from mosaic disease. अब 1892 में जो साइंटिस्ट थे D. Evanscape, उन्होंने एक प्रिपेयर किया एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ से उसका मटेरियल निकाल लिया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिफरेंट प्लांट्स ले लिए जाए, उनको अच्छी तरह उनका मिक्सचर बना लिया जाए, और उसका जो उसको अच्छी तरह निचोड़ लिया जाए, छान लिया जाए, जो चीज़ हमारे पास आएगी तो वो क्या होगी, उसका एक्सट्रैक्ट होगी. इसी तरह उन्होंने किस चीज़ का एक्सट्रैक्ट लिया, टोबैको प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट लिया दैट वर सफरिंग फ्रॉम मोज़ेक डिजीज़, जिनको क्या थी, मोज़ेक डिजीज़ थी. व्हेन द एक्सट्रैक्ट वाज पास्ड थ्रू अ फिल्टरेबल
टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ बैक्टीरिया द फिल्ट्रेट वॉज एबल टू इन्फेक्ट हेल्दी टोबैको लीव्स. जब उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट टोबैको प्लांट्स का जो के डिजीज कॉजिंग थे, जो मोज़ेक डिजीज थी जिन्हें, वो एक्सट्रैक्ट पास करवाया फिल्टर पेपर से, लेकिन क्या हुआ, उसने प्रिवेंट तो किया किसका, बैक्टीरिया का पैसेज, लेकिन जो ये था फिल्ट्रेट वॉज एबल टू इन्फेक्ट हेल्दी टोबैको लीव्स, और हेल्दी टोबैको लीव्स को भी क्या हो गया, इन्फेक्ट कर दिया. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट दीज डिजीज कॉजिंग एजेंट्स वर नेम्ड फिल्टरेबल वायरसेस. और इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्हीं डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को, इन्हीं वायरसेस को नेम दिया गया फिल्टरेबल वायरसेस, के ये फिल्टर से भी पास हो सकते हैं. बैक्टीरिया क्यों पास नहीं होता, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, दैट्स वाई वो फिल्टर से हम उसको रोक सकते हैं. लेकिन जो वायरसेस हैं ये बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉल हैं, इतने स्मॉल है कि ये फिल्टरेबल मीडिया से भी पास कर जाते हैं. इन 1898 एम बिजर ने एस्टैब्लिश्ड दैट वायरसेस पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज़ कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स. अब 1898 में जो साइंटिस्ट थे एम बिजर निक, उन्होंने इस्टेब्लिश किया वायरसेस जो हैं पोजेस करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी को, रेप्लिकेशन को, जो कॉमन है तमाम लिविंग थिंग्स में. ही फर्दर इस्टेब्लिश दैट दीज डिजीज कॉजिंग फिल्टरेबल वायरसेस मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल. इसके अलावा उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि ये जो डिजीज कॉजिंग फिल्टरेबल वायरसेस हैं ये अपने होस्ट सेल में ही मल्टीप्लाई होते हैं. लेटर एफ ट्रॉट एंड एफ डी हैरेली इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड दैट सम वायरसेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया. इसके अलावा बाद इन डिस्कवरीज के बाद जो एफ ट्रॉट थे और एफ डी हैरेले थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग डिस्कवर किया कि जो कुछ वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं. द टर्म दीज वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस, और उन्होंने इन वायरसेस को बैक्टीरियोफेजेस का नाम दिया. बैक्टीरियम इन बैक्टीरिया, फेजिस मीन ईटर यानी ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया, और सिंपली फेजिस. दिस डिस्कवरी इस्टेब्लिश द फैक्ट दैट वायरसेस इन्फेक्ट द कोज एंड कोज डिजीज इन ऑल द थ्री मेजर बायोलॉजिकल ग्रुप्स, द एनिमल्स, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया. और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये उनकी इस डिस्कवरी को लीड की के जो वायरसेस हैं इन्फेक्ट करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं तमाम जो मेजर तीन बायोलॉजिकल ग्रुप्स हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को एंड बैक्टीरिया को. In 1935, W. Stanley demonstrated the structure of plant viruses TMV. अब 1935 में साइंटिस्ट थे W. Stanley, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो स्ट्रक्चर है प्लांट वायरसेस का TMV का, उन्होंने TMV का वायरसेस का स्ट्रक्चर डिमॉन्स्ट्रेट किया. ही क्रिस्टलाइज द वायरसेस एंड देन शोड दैट इट इज़ लार्जली कम्पोज ऑफ प्रोटीन. अब उन्होंने क्रिस्टलाइज किया वायरसेस को और उन्होंने शो किया कि ये जो हैं लार्जली कम्पोज हैं प्रोटीन पे. लेटर अदर साइंटिस्ट शोड दैट दीज क्रिस्टल्स आल्सो कंटेन अ स्मॉल बट कंस्टेंट अमाउंट ऑफ आरएनए. और इसके बाद साइंटिस्ट्स थे कुछ, उन्होंने ये शो किया कि ये जो क्रिस्टल हैं इनके पास जो है ये स्मॉल लेकिन एक कांस्टेंट अमाउंट है आरएनए की जो कि चेंज होती रहती है, चेंज नहीं होती. कांस्टेंट वो होती है जो चेंज नहीं होती, अगर वेरिएबल होती तो चेंज होती रहती, वेरी करती. केमिकल स्टडीज ऑफ अदर वायरसेस रिवील्ड दैट सम कंटेन डीएनए इन एडिशन टू प्रोटीन. और कुछ केमिकल स्टडीज जो थी दूसरे वायरसेस पे ये बात रिवील की कि जो कुछ वायरसेस हैं वो कंटेन करते हैं डीएनए इन एडिशन टू प्रोटीन. बट नो वायरसेस हैज बीन फाउंड टू कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए. लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि कोई भी वायरस के पास डीएनए और आरएनए दोनों ही मौजूद हों एज अ जेनेटिक मटीरियल. इन एडिशन टू न्यूक्लिक एसिड some viruses contain lipid and some contain small amount of carbohydrates conjugated to their protein components. अब इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ viruses हैं उनके पास lipid है और कुछ के पास carbohydrates की small amount है जो कि conjugated है उनके protein components के साथ. The largest and the most complex viruses, the pox viruses, are composed of nucleic acid and several internal compartments surrounded by membranes. अब जो लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरसेस हैं वो कौन से हैं, पॉक्स वायरसेस. या आपसे पूछा भी जा सकता है कि लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स वायरसेस कौन से हैं, तो वो हैं पॉक्स वायरसेस. और ये किस चीज़ से कंपोज करते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड और सेवरल इंटरनल कंपार्टमेंट्स जो सराउंड करती हैं मेम्ब्रेन्स के थ्रू.
तो ये थी हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। तो आपको समझ आ गई होगी कि वायरसेस हैं क्या, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनको डिस्कवर कौन कौन से साइंटिस्ट्स ने किया, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। फिर भी आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगी। आज का टॉपिक में इतना ही, अब नेक्स्ट मज़ीद हम इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी डिटेल। दिस इज़ ऑल अबाउट माई लेक्चर। थैंक यू।